सीआर, सीआरओ का मतलब क्या होता है यार? सीआरओ का मतलब जानते हैं सभी लोग, सीआरओ का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो सीआरओ को बेसिकली कहा जाता है आपके लिए कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, तो ये हेडिंग डाल दिया मैं आपके पास सीआरओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं सीआरओ। आज का पूरा लेक्चर अपना बेस्ड होने वाला है सीआरओ के ऊपर। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना सीआरओ। तो ये लिख दिया मैं आपके पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये हो गया आपके पास। ठीक है, मैं क्या दिया यहाँ पे टॉपिक मैंने सीआर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा आपके पास डिवाइस होने वाला है। ठीक है, सीआरओ बस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा डिवाइस होने वाला है। अब तक हम लोगों ने मेजरमेंट में क्या पढ़ा है, अब तक मेजरमेंट में ना हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख रखी है, बहुत सारी चीजें देख रखी है। सर सीआरओ आई एन मतलब के लिए बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना? एक बहुत बड़ा वो है, क्या बोलते हैं, फ्लॉ है। लोग सोचते हैं कि सीआरओ आई एन के लिए ज्यादा है क्या, इसके लिए कम है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल आई एन दोनों को बराबर ही है सीआरओ, है ना? ऐसा उसमें कुछ भी कम ज्यादा वाला कंसेप्ट है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कुछ भी कम ज्यादा वाला कंसेप्ट है, कोई कम ज्यादा वाला कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, कुछ भी वहां पे कम ज्यादा वाला कंसेप्ट, कोई सभी कहीं से भी आपको कम ज्यादा वाला कंसेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी कम ज्यादा वाला कंसेप्ट आप नहीं देख पाए देखेंगे वहां पे, मतलब पाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो बराबर ही है, सभी को बराबर है, तो डोंट वरी फॉर दैट थिंग, है ना? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट है दोनों को बराबर है। हाँ, अगर कोई ईएसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला तो उसके लिए स्लाइटली थोड़ा सा कम हो सकता है। ठीक, सीआरओ क्या होता है? सबसे पहले तो सीआरओ क्या होता है आपको ये बताता हूं मैं, है ना? जब भी हम लोगों ने बेसिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह पढ़ के रखा है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट हम सब लोगों ने पढ़ा होगा, बेसिक इंस्ट्रूमेंट ऑफकोर्स हम सभी लोग जानते हैं, है ना? अब देखोगे मैं आपको वैरायटी ऑफ मीटर पढ़ाया किसमें, बेसिक इंस्ट्रूमेंट में। बेसिक इंस्ट्रूमेंट वाला जब चैप्टर आया तो मैं आपको वहां पे ना बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया। इसका मतलब कि आपको मैंने पढ़ाया एक बार एसी के लिए, एक बार डीसी के लिए, तो वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको वहां पे पढ़ा दिया। ठीक, तो समझ में आया कि यार सर बताते हैं वहां पे रेंज एक्सटेंशन इंस्ट्रूमेंट का, है ना? सर वहां पे और भी चीजें बताते हैं, मतलब कि ये एसी के लिए यूज होता है, ये डीसी के लिए यूज होता है, ये एवरेज इंडिकेट करता है, ये आरएमएस इंडिकेट करता है। तो सर वैरायटी ऑफ चीजें बताए बेसिक इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा उसके बियॉन्ड जाना चाहते हैं, थोड़ा सा बियॉन्ड जाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या, जैसे आपको लगता है अगर, है ना, जैसे आपको लगता है अगर कि अपन थोड़ा सा उसके और बियॉन्ड जाए, तो देखो क्या है कि बड़ा प्रॉब्लमेटिक है यार, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट को रखना, कैरी करना, ये सब बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है, ओवरऑल एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। ऐसा मतलब इंडस्ट्री वाइज कि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट को अपन लेके घूमे। ठीक है, अच्छा, फिर एसी के लिए अलग और डीसी के लिए अलग मीटर्स, है ना? तो ये प्रॉब्लम भी होती है ना? तो सीआरओ इन सारे प्रॉब्लम का आपको एक सोल्यूशन देगा। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम का आपको एक सोल्यूशन देगा। ठीक, सर ये क्लासेस गेट के लिए है ना? ऑफकोर्स गेट के लिए है, जेई की क्लासेस नहीं है, ये गेट के लिए क्लासेस है। ठीक है, गेट के लिए क्लासेस आपको देखने को मिल रही है। ठीक, हाँ, तो आपको ये पता रहे कि भाई सीआरओ आपके लिए एग्जैक्टली करता क्या है। तो मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहला पॉइंट तो आपके पास, सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको ये बोलूंगा कि सीआरओ सीआरओ वर्क्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट्स। सीआरओ वर्क्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इनपुट्स। ठीक है, सीआरओ आपके लिए सारे के सारे टाइप ऑफ इनपुट के लिए वर्क करता है। सीआरओ आपके लिए सारे के सारे टाइप ऑफ इनपुट के लिए क्या करेगा, सारे के सारे टाइप ऑफ इनपुट के लिए सीआरओ आपके पास वर्क करेगा। अच्छा, सारे के सारे टाइप मतलब क्या, सारे के सारे टाइप का मतलब होता है आपके पास डीसी और एसी दोनों के लिए। ठीक है, तो देखो डीसी इनपुट है ना, वो भी काम करेगा, और अगर एसी इनपुट है तो भी काम करेगा। ठीक है, तो एसी और डीसी दोनों इनपुट के लिए सीआरओ आपके पास काम करता हुआ चलेगा, मतलब हर हर जगह आपके पास सीआरओ आपके लिए काम करता हुआ चलेगा। तो ये आपको क्लियर रहे कि सीआरओ वर्क्स फॉर ऑल काइंड ऑफ इनपुट। सीआरओ वर्क्स बेसिकली फॉर व्हाट, सीआरओ वर्क्स बेसिकली फॉर ऑल काइंड ऑफ इनपुट। ये सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंट है अपने पास, है ना, कि सीआरओ आपके लिए सारे के सारे इनपुट के लिए काम करता है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई एम टेलिंग यू कि सीआरओ आपके सारे के सारे टाइप ऑफ इनपुट के लिए काम करता है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड का कोई बैरियर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा कि यार ये मतलब मिली वोल्ट के लिए काम नहीं करेगा या वोल्ट्स के लिए काम नहीं करेगा, है ना? हाँ, आप बोल रहे हैं कि सर अब मैं ला के यहाँ पे 1 मिलियन वोल्ट ही दे दूंगा, या सर इसको मैं जाके जनरेटिंग स्टेशन से कनेक्ट कर दूंगा, तब दिक्कत होगा। मतलब एक आप लिमिटेशन रखो ना, मतलब ठीक है, कोई बोल रहा है कि खूब पैसे दूंगा से, मतलब थोड़ी कि भाई पूरे पैसे ले लो उससे करके। ठीक है, तो आपको पता रहे कि ऐसा नहीं कि भाई इसको हम लोग के बाकी सब जगह एक्सपोज कर देंगे। बाकी सब जगह से मेरा मतलब क्या है, बाकी सब जगह से मेरा मतलब है कि डायरेक्टली अपन लोग बड़े बड़े नंबर्स पे एक्सपोज नहीं करेंगे, बट हाँ ठीक है, एक बहुत वाइड रेंज रखता है, तो उतना अपने को दिक्कत नहीं होता, उतना अपने को दिक्कत नहीं होता।
उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं मैं आपको, उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या लिखवा दिया कि सीआरओ दोनों टाइप ऑफ इनपुट के लिए काम करते हैं, मतलब एसी इनपुट के लिए भी काम करता है, डीसी इनपुट के लिए भी काम करता है, तो लिखवा दिया आपको मैंने, एकदम बढ़िया से लिखवा दिया। ठीक है, अगला मैं क्या बोलूंगा, अगला पॉइंट मैं आपके पास बोलूंगा जो उससे भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता रहे सीआरओ पढ़ने से पहले कि ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, नो एक्स्ट्रा कैलिब्रेशन, नो एक्स्ट्रा कैलिब्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एसी एंड डीसी। ठीक है, कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा कैलिब्रेशन का रिक्वायरमेंट यहां पे नहीं होता एसी और डीसी के बीच में। ठीक है, किसी भी टाइप का कोई भी एक्स्ट्रा कैलिब्रेशन आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, कोई भी किसी भी टाइप का आपके पास एक्स्ट्रा कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, ये आपको पता रहे कि कोई भी एक्स्ट्रा कैलिब्रेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि अपन एक डीसी मीटर यूज कर रहे हैं उससे अब हम एसी मेजर करना चाहते हैं तो हम कुछ वहां पे कैलिब्रेट करें, एक्स्ट्रा कुछ करें, तो वैसा कुछ भी नीड यहाँ पे नहीं पड़ता, ऐसा कोई भी नीड आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको पता रहे कि भाई ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा अपने को नीड यहाँ पे नहीं पड़ता है। ठीक है, ये भी अपने को पता रहे कि कोई भी एक्स्ट्रा नीड नहीं पड़ेगा अपने को, है ना। तो नो एक्स्ट्रा कैलिब्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एसी एंड डीसी। ये अपने को पता रहे कि नो एक्स्ट्रा कैलिब्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एसी एंड डीसी, डीसी से एसी या एसी से डीसी अपन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इतना आसान है कि सीआरओ मतलब ऐसा क्या है सीआरओ के अंदर जो दोनों काम कर देता है, ये आपका प्राइमरी क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है कि है ना सर मैं आपसे अनलॉक पढ़ रहा हूँ प्लीज वो प्लेलिस्ट मैं कौन से कहाँ कौन से मतलब मैं अभी किसी प्लेलिस्ट के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ भाई, है ना। हाँ भाई ठीक है, हाँ राहुल कुमार राय कुछ अलग ही दुनिया में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू सो मच सर फॉर सच एफर्ट्स, थैंक यू सो मच यार। ठीक है, हाँ तो मैं क्या बोला आपके पास कि सीआरओ आपके लिए ऐसा करता क्या है, ऐसा क्या सिस्टम होता है कि आपके लिए एसी डीसी दोनों को मेजर कर डालता है, ये भी तो सोचने वाली बात है ना कि सीआरओ हम लोग के लिए एग्जैक्टली ऐसा क्या करता है कि सब कुछ हो जाता है। तो आपको बता दूं कि सीआरओ आपके ना किसी भी टाइप का मेजरमेंट परफॉर्म नहीं करता, आप अपने माइंड से ये हटा दे कि सीआरओ कोई इंस्ट्रूमेंट है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाँ हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट के अंदर, ठीक है, बट यहाँ पे मेजरमेंट करने का टेक्निक या टैक्टिक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है सीआरओ के पर्टिकुलर केस में। इन पर्टिकुलर केस ऑफ सीआरओ टेक्निक कुछ आपके पास डिफरेंट होने वाला है, दैट इज प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि टैक्टिक थोड़ा सा डिफरेंट होगा सीआरओ के लिए आपके पास। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा सीआरओ के अंदर ऐसा है क्या, सीआरओ के अंदर कुछ नहीं है, सीआरओ इज बेसिकली अ सीआरओ इज बेसिकली अ इमेज प्लॉटर। CRO is basically what? CRO is basically a image plotter. CRO basically है क्या आपके लिए? CRO basically आपके लिए एक image plotter है. CRO क्या करता है आपके लिए basically? CRO basically आपके लिए image plot करता है, है ना? CRO basically क्या करेगा आपके लिए? CRO ना basically आपके पास image की plotting करने वाला है. This is the one more important thing, है ना? कि CRO is nothing but just a image plotter. ये आपको पता रहे कि CRO आपके लिए image plotter है, ठीक है? ये आपको आप जो भी इसको इनपुट देंगे जो भी वेवफॉर्म का शेप होगा उसका आपको इमेज दिखा देगा, उसके बाद आपको आरएमएस एवरेज फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड जो भी निकालना है उसका आप कैलकुलेशन कर लें। ठीक है, तो एक बढ़िया सा बेहतरीन टाइप सा कैलिब्रेटेड इमेज आपको दिखाता है। ओके, हाँ भाई सॉरी जस्ट है ना एक इंपॉर्टेंट, देखिए ये हो गया आपके पास सीआरओ इज बेसिकली इमेज प्लॉटर। सीआरओ बेसिकली क्या है आपके पास? इमेज प्लॉटर। तो क्या इमेज प्लॉट करता है सर? सीआरओ आपके पास दो टाइप के इमेज प्लॉट करता है ना, उसमें से एक इमेज क्या होता है आपके पास? वाई टी प्लॉट। एक इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं? एक इमेज को हम लोग बोलते हैं वाई टी प्लॉट, ठीक है, और एक इमेज को हम लोग बोलते हैं एक्स वाई प्लॉट। एक को बोल दिया मैंने वाई टी प्लॉट, एक को बोल दिया मैंने क्या, एक को मैंने बोल दिया एक्स वाई प्लॉट, एक को मैंने क्या बोल दिया, एक को मैंने बोल दिया वाई टी प्लॉट, एक को मैंने क्या बोल दिया, एक को मैंने बोल दिया एक्स वाई प्लॉट। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास सीआरओ के लिए दो चीजें बता दी, एक तो आपके पास वाई टी प्लॉट हो गया
और एक आपके पास एक्स वाई प्लॉट हो गया, ठीक है। अच्छा, ये प्लॉट हमारे लिए कहां कहां पे और किस किस तरीके से काम आते हैं, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, कहां कहां से किस किस तरीके से काम आते हैं। देखो, वाई टी प्लॉट कुछ ऐसा बहुत स्पेशल चीज नहीं है। वाई टी प्लॉट का मतलब होता है एम्पलीट्यूड टाइम प्लॉट, एम्पलीट्यूड टाइम प्लॉट, ठीक है। क्या होता है आपके पास वाई टी प्लॉट, वाई टी प्लॉट का मतलब होता है आपके पास एम्पलीट्यूड टाइम प्लॉट, ठीक है। मतलब क्या, एक एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर देता है। बेसिकली जो ग्राफ अपने को चाहिए होता है, जिस ग्राफ को अपन चाहते हैं, उस ग्राफ को यहाँ पे आपके लिए क्या कर देता है, प्लॉट कर देता है, ठीक। और ये होता है वाई टी प्लॉट, वाई टी प्लॉट होता है आपके पास लीसजस पैटर्न। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लीसजस पैटर्न, वी कॉल इट एज व्हाट, वी कॉल इट एज लीसजस पैटर्न। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपके लीसजस पैटर्न, ठीक है। तो एक हो गया वाई टी प्लॉट जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड टाइम प्लॉट बोलते हैं, एक एक्स वाई प्लॉट हो गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीसजस पैटर्न बोलते हैं। लीसजस पैटर्न को अपन पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, अभी मैं आपको ना सीआरओ का कंस्ट्रक्शन बताने वाला हूं। अब कोई सोच सकता है सर गेट के एग्जामिनेशन में ना कंस्ट्रक्शन लिखने को क्यों ही आएगा, है ना, या कंस्ट्रक्शन के थोड़े क्वेश्चन आने वाले हैं सर, अपन एसी प्रिपेयर तो कर नहीं रहे। अगर कोई एसी प्रिपेयर कर रहा है तो ऑफकोर्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आई नो दैट फैक्ट, ठीक है। बट अगर कोई एसी प्रिपेयर नहीं कर रहा है तो सर गेट के क्लासेस में इसको आप क्यों पढ़ा रहे हैं कंस्ट्रक्शन को, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि कंस्ट्रक्शन को पढ़ाना जरूरी इसलिए क्योंकि इस कंस्ट्रक्शन को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। आई विल मेक यू नोट डाउन सम पॉइंट्स, मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा आपको और उस पे बेस्ड आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, उस पे बेस्ड आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ये आप श्योरिटी लेके रखें, है ना, क्योंकि इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। चलिए अगर मैं बात करता हूं आगे, अगर मैं बात करता हूं आगे आपके पास, तो अभी सबसे पहले सीआरओ किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ठीक है। इस पे भी गेट में क्वेश्चन आ चुका है तो इसको भी लिखवा देता हूं, ठीक है ना। मतलब किस प्रिंसिपल पे सीआरओ आपका बेस्ड रहता है, तो आई विल जस्ट टेल यू सीआरओ किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। अगर हम इसकी बात करें कि किस प्रिंसिपल पे, सुनना मेरी बात ध्यान से, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो सीआरओ इज बेस्ड ऑन थर्मोआयनिक एमिशन, सीआरओ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीआरओ, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीआरओ, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीआरओ is based on thermoionic, okay, this is based on what, working principle of CRO is based on thermoionic emission, ये अपने लिए बहुत है, ठीक है। working principle जो CRO का है आपके पास thermoionic emission पे based होता है, ठीक है। thermoionic emission पे आपके पास CRO क्या होने वाला है, based होने वाला है, ये आपको पता रहे, ठीक है। तो चलिए यहां से मैं आपके पास कंस्ट्रक्शन चालू करता हूँ सीआरओ का, कि कंस्ट्रक्शन कैसा है। इस कंस्ट्रक्शन पे इतने सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हैं ना गेट के एग्जामिनेशन में, तो अगर आप अगले कुछ देर तक मेरा पूरा ये कंस्ट्रक्शन वाला कारोबार सुन लेंगे आप, है ना, तो आपको कोई समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी, आप आसानी के साथ, है ना, ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक स्टोरी समान आपको मैं सुना देता हूं, आपको समझ में भी आ जाएगा कि होने क्या वाला है, ठीक है। आपको कोई समस्या झेलने को नहीं मिलेगी, ठीक है, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रहे कि मैं क्या आपके साथ करने वाला हूं यहाँ पे, ठीक। तो चलिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं सीआरओ का, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं सीआरओ का, ठीक। देखो सबसे पहली चीज तो क्या है कि आप सीआरओ पे सिग्नल कौन सा दे रहे हैं, सीआरओ का आप सिग्नल सीआरओ में कौन सा देने वाले हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इनपुट सिग्नल बना देता हूँ। तो सर ये कोई पूछ सकता है कि सर ये इनपुट सिग्नल क्या है, है ना। तो इनपुट सिग्नल ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, है ना, आपको ये पता रहे कि इनपुट सिग्नल जो है आपके पास, वो इनपुट सिग्नल कुछ स्पेशल नहीं है, कोई भी एक ऐसा मान लीजिए कि एक साइनसोडल सिग्नल है आपके पास, ठीक है। ये आपका सीआरओ में एक्सपोज हो रहा है, तो सीआरओ के साथ क्या करेगा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बेसिकली इसके हेल्प से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक मैंने बना दिया है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ इनपुट सिग्नल। इसको मैं क्या बोल दिया आपके पास, इसको मैं बोल दिया इनपुट सिग्नल, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट योर इनपुट सिग्नल। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल दे रहा हूँ आपके पास इनपुट सिग्नल। क्या नाम दे दिया इसको मैं, इसको मैंने नाम दे दिया इनपुट सिग्नल, ठीक है। हाँ, इनपुट सिग्नल। थर्मोआयनिक एमिशन क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से कोई भी दो प्लेट आपके गर्म होते हैं और वो आपके पास इलेक्ट्रॉन एमिट करना चालू करते हैं, उसको मैं भी डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी ऑन दैट, ठीक है। हाँ, देखिए एक इनपुट सिग्नल हो गया। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है इस इनपुट सिग्नल का कुछ टर्म मेजर करना, जैसे इसका आरएमएस वैल्यू कितना है, एवरेज वैल्यू कितना है,
टाइम पीरियड कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, ये सारी चीजों को मेजर करना अपना कार्यक्रम है, ये हम चाहते हैं, ये अपना इंटेंशन है कि अच्छा ये अपन कैसे पता कर पाए कि ये क्या है कितना है करके, ठीक है। तो ये अपना टारगेट होने वाला है। तो ये क्या है आपके पास, ये आपका इनपुट सिग्नल, ये क्या देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे, ये आपको एक इनपुट सिग्नल देखने को मिल रहा है ऑफकोर्स, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, एक इनपुट सिग्नल है ना। अब देखिए इनपुट सिग्नल के साथ मैं क्या कहूंगा आपको, इनपुट सिग्नल सबसे पहले किस पे जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि इनपुट सिग्नल सबसे पहले किस पे जाएगा, ठीक है। तो इनपुट सिग्नल ना सबसे पहले जाएगा आपके पास वर्टिकल एम्पलीफायर में, किस में जाएगा सबसे पहले आपके पास, ये वर्टिकल एम्पलीफायर, है ना। इनपुट सिग्नल सबसे पहले किस पे जा रहा है, इनपुट सिग्नल सबसे पहला जिसके अंदर एंट्री मार रहा है वो एक वर्टिकल एम्पलीफायर, इसका नाम क्या देते हैं, इसका नाम अपन देते हैं वर्टिकल एम्पलीफायर, है ना। वर्टिकल एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं समझ में आ जाएगा, एम्पलीफायर तो है लेकिन वर्टिकल एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं ये आप अभी समझ जाएंगे। ये हो गया वर्टिकल एम्पलीफायर, वर्टिकल एम्पलीफायर किससे बना हुआ है, वर्टिकल एम्पलीफायर मॉस्फेट से बना हुआ है, किससे बना हुआ है वर्टिकल एम्पलीफायर आपके पास, वर्टिकल एम्पलीफायर आपका MOSFET से बना हुआ है। गेट में से ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है अगेन कि वर्टिकल एम्पलीफायर इज मेड अप ऑफ ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। सब में क्या दिया हुआ है आपके पास, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको दी हुई है, आपको पता रहे कि वर्टिकल एम्पलीफायर किससे बना है, वर्टिकल एम्पलीफायर आपके पास MOSFET से बनता है, वर्टिकल एम्पलीफायर किससे बनता है, वर्टिकल एम्पलीफायर MOSFET से बनता है, ये क्लियर रहे आपको, ठीक। वर्टिकल एम्पलीफायर इज मेड अप ऑफ MOSFET, है ना। वर्टिकल एम्पलीफायर इज मेड अप ऑफ व्हाट, वर्टिकल एम्पलीफायर इज मेड अप ऑफ MOSFET, ये आपको पता रहे, ठीक है। ये क्वेश्चन है एग्जाम में जो आया हुआ है, तो इस कारण मैं आपको एग्जाम में ना क्वेश्चंस वगैरह बता रहा हूँ कि अच्छा ऐसा कुछ भी होता है क्या, है ना। तो देखिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपको कि वर्टिकल एम्पलीफायर किससे बनता है, वर्टिकल एम्पलीफायर आपका MOSFET से बनता है, ठीक है। वर्टिकल एम्पलीफायर किससे बन गया, वर्टिकल एम्पलीफायर इज मेड अप ऑफ MOSFET, नथिंग बट व्हाट, MOSFET, ठीक है। तो MOSFET से बनेगा आपका वर्टिकल एम्पलीफायर, क्लियर, ये चीज आपके माइंड में क्लियर रहे, है ना। अगला बताता हूं मैं आपको, वर्टिकल एम्पलीफायर से अब कहां जाएगा, वर्टिकल एम्पलीफायर से अब जाएगा ये आपके पास किस पे, टाइम डिले पे, है ना। ये हो गया आपके पास टाइम डिले, ये आपका टीडी है, ठीक है। क्या आपको टीडी देखने को मिल रहा है, वर्टिकल एम्पलीफायर इज व्हाट, हियर टाइम डिले, है ना। तो ये टीडी आपको देखने को मिल गया, क्लियर, ये टीडी, ठीक है, ये हो गया टीडी आपके पास, है ना। वर्टिकल एम्पलीफायर क्या हो गया, वर्टिकल एम्पलीफायर आपके पास टाइम डिले के बराबर आपको देखने को मिल गया, ठीक है। अच्छा एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया है कि वर्टिकल एम्पलीफायर के बाद टाइम डिले, तो टाइम डिले का फंक्शन क्या है, चार लाइन उसके लिए भी दी थी, इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो आप मार्क कर दो कि टाइम डिले क्या काम करता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो आप ध्यान रखें एग्जाम में बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा अभी देखना आप, जस्ट है ना, ये वर्टिकल एम्पलीफायर के साथ टाइम डिले आपको देखने को मिल रहा है, अब देखिए है ना, यहाँ पे ऐसा आपको फिगर देखें, ये हो गया, हाँ? ऐसा ये हो गया, ठीक है, ऐसा आपको देखने को मिलता है, वो स्क्रीन है आपका, है ना, बता रहा हूँ एक एक चीज क्या है करके, ठीक है। इसको अपन एक ऐसा स्क्रीन कह सकते हैं, This is nothing but screen, ठीक है। अब देखो ये स्क्रीन को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, तो ये एक स्क्रीन है आपके पास, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, बताऊंगा अभी एक एक चीज आपके पास क्या है कैसा है करके, ठीक है। ये आपके पास साइड व्यू है, आपको पता रहे कि बाकी तो ये सर्कल है ऐसा, ये स्क्रीन जो है ना ये सर्कल है आपके पास, सर्कल या रेक्टेंगुलर जैसे भी आप कह सकते हैं, ठीक है। होता सर्कल है वहां पे ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स आपके पास बना होता है, पुराने जमाने का आप कोई ना कोई सीआरओ जरूर देखे होंगे, मेरे को इतना श्योर है, या लेबोरेटरी में तो आप देखे ही देखे होंगे, है ना। अब वो अलग बात है कि आजकल थोड़ा सा उसको सब बॉक्स में पैक कर देते हैं कॉम्पैक्ट करने के लिए, लेकिन पुराने जमाने का सीआरओ इतना कॉम्पैक्ट नहीं होता जितना आपको अभी आपके लेबोरेटरी में देखने को मिलता है, ठीक है।
ना, मतलब वो बता रहे कुछ चीजें ना थोड़ी सी आउटडेटेड है, कुछ चीजें थोड़ी सी आपके पास आउटडेटेड है ना, तो उसको अपने को माइंड में लेके चलना है कि अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके पास आउटडेटेड चीजें हैं, लेकिन हाँ बेसिक साइंस कारण अपने को पढ़ना पड़ता है। जैसे आपको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल दूँ तो पीएस भीमराव, वन ऑफ द वेरी गुड बुक्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, तो आज भी ऑल ओवर इंडिया रेफर की जाती है। बट थिंग इज दैट कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पीएस भीमराव को कब सीन में माना गया था, पीएस भीमराव आपके पास कब उतना मतलब वैसा होता था कि पीएस भीमराव लिखा गया था, ठीक है? तो पीएस भीमराव लिखा गया था आपके पास 1970s या 90 स्टडीज में, ठीक है ना, 1970s या 90 उस पे लिखा गया था, ठीक है? तो उस समय क्या था सिचुएशन, उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि भाई थायरिस्टर सबसे मेन चीज था, तो थायरिस्टर वहां पे आपके पास यूज किया जाता, तो पीएस भीमराव इज मोस्टली बेस्ड ऑन थायरिस्टर। बट आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम में जो है वो आईजीबीटी ये सब आपके पास पूरा एरा को अपने ऊपर लेके रखा हुआ है, तो ये आपको क्लियर रहे, क्लैरिटी रहे आपको उस चीज की, ठीक है? कौन है भाई ये हीरो है ना, रोड टू गेमर, ओनली गेम नो स्टडी। हाँ खेलो खेलो खेलो, फिर तुम गेम खेलोगे बाद में जिंदगी तुम्हारे साथ खेलेगी, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? और गेम खेलो तो गेम के बाद से चॉइसेस मैं बता सकता हूँ तेरे को, कौन कौन से गेम खेलने चाहिए करके ना, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आके कोई गेम नहीं चलता, तो गेट अ राइट प्लेस है ना जहाँ आपको गेम खेलने मिले, अदरवाइज आपके साथ गेम होने में टाइम लगेगा नहीं, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। टाइम डिले कहाँ जा रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन तो अपना ये है कि टाइम डिले अपने साथ कहाँ जा रहा है, तो मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे ना आपके पास दो प्लेट होने वाले हैं, ठीक है? तो देखो एक होगा, दो सेट ऑफ प्लेट होने वाले हैं, तो देखिए एक तो ये हो गया आपका प्लेट, ठीक है, ये आपका प्लेट हो गया, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेट। ये जो दो प्लेट है ऐसे आपके पास ये प्लेट रखी हुई है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेट। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट योर हॉरिजॉन्टल प्लेट, ठीक है? फिर देखिए आप यहाँ पे ये हो गया आपके पास वर्टिकल प्लेट, ठीक है? एक तो हो गया आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेट, एक तो क्या हो गया आपके पास वर्टिकल प्लेट, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट हो गया, एक आपके पास क्या हो गया, एक आपके पास वर्टिकल प्लेट हो गया, ठीक है? तो ये आपको एक चीज देखने को मिल गई, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट हो गया, एक आपके पास वर्टिकल प्लेट देखने को मिल गया, ठीक है? तो आपको बता रहे कि ये वर्टिकल है, इसको एम्पलीफायर बोल सकते थे सर, इसको वर्टिकल एम्पलीफायर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल एम्पलीफायर कहाँ गया, वर्टिकल एम्पलीफायर टाइम डिले में गया, ठीक है? टाइम डिले कहाँ जाएगा, टाइम डिले का जो आउटपुट है, टाइम डिले का जो भी आपका आउटपुट है, ये आउटपुट सीधा जाएगा आपके पास वर्टिकल प्लेट पे, ये ऐसा, ठीक है? तो बिकॉज वर्टिकल एम्पलीफायर सप्लाई टू वर्टिकल प्लेट, दैट एम्पलीफायर सप्लाइज टू वर्टिकल प्लेट, दैट्स व्हाई दैट एम्पलीफायर इज नोन एज योर वर्टिकल प्लेट। उस कारण उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस कारण उसको अपन लोग वर्टिकल प्लेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उसको हम लोग वर्टिकल प्लेट बोलते हैं। तो आपको एक क्लैरिटी रहे कि उसको वर्टिकल प्लेट बोलने में वर्टिकल नाम क्यों आता है, ठीक है? वो किस प्लेट को सप्लाई करता है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वॉट, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपको क्लियर रहे कि अच्छा इसको अपन वर्टिकल प्लेट क्यों बोलते हैं, चलो वो भी दिख गया अपने को, ठीक है? अब देखिए अगला यहाँ पे क्या रहेगा, अगला यहाँ पे रहेगा इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन यहाँ पे क्या दिख गया आपको, इलेक्ट्रॉन गन। तो ये पीछे क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉन गन यहाँ पे रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है आपके पास यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन गन रखा हुआ है। तो आपको ये पता रहे कि अच्छा दिस इज योर इलेक्ट्रॉन गन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं, ये भी अपने को पता रहे, अच्छा दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड नथिंग बट योर इलेक्ट्रॉन गन, है ना? तो पता रहे था इलेक्ट्रॉन गन है क्या ये, ठीक है? इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गन का काम होगा लगातार इलेक्ट्रॉन एमिट करना। वो सब अभी कैसे यूज होगा ये भी बताता हूँ आपको मैं, वो सारी चीजें भी आपको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सारी चीजें यूज कैसे होंगी। तो पूरा फिगर बना नहीं है बट फिर भी मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में है ना बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? हिमांशु गुप्ता सर किस सब्जेक्ट का टॉपिक है, मेजरमेंट का टॉपिक है बेटा, है ना, मेजरमेंट का टॉपिक है, ठीक है? और ठीक है, नो स्टडी नो स्टडी खेलो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना? हाँ चलिए, ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रॉन गन, ठीक, बस इलेक्ट्रॉन गन हो गया। अब देखो ये आपको जो दिख रहा है दूसरा वाला पार्ट है ना, ये कहाँ जाएगा, देखो ये आपका वर्टिकल प्लेट है, इसको भी तो सप्लाई देना होगा, ठीक है? ये आपका वर्टिकल प्लेट है, वर्टिकल प्लेट मतलब जैसे आपका कैपेसिटर होता है ना पैरेलल प्लेट, वैसे यहाँ पे ये कैपेसिटर टाइप की चीजें हैं, ठीक है? तो देखो आपको ये वर्टिकल प्लेट दिख गया, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट दिख गया, ठीक। एक्चुअली चीजें कैसी होती है, एक्चुअली चीजें तो बॉक्स समान होती है, बॉक्स समान होती है मतलब क्या, देखिए जैसे कि ये आपके पास रखा हुआ है तो ये आपका वर्टिकल प्लेट है, तो एग्जैक्टली इसके ऊपर ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेट रहता है, तो बेसिकली ऐसा पूरा एक कवरेज रहता है, ऐसा पूरा आपके पास ना एक
कवरेज रहेगा, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली यहाँ पे तो ऐसा पूरा एक कवरेज ही रहता है बहुत प्रॉपर सा, ठीक है। तो बट मैं यहाँ पे इसको अलग अलग बनाया हूँ ताकि आपको दिख पाए, तो मेरा एक फिगर बनाने का तरीका है। बट रियलिटी प्रैक्टिकलिटी कैसी है कि भाई ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेट और इसी के ऊपर दो आपके ऐसे वर्टिकल प्लेट, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेट, ये आपका वर्टिकल प्लेट, ये वर्टिकल प्लेट रखा हुआ है ये ऐसा, और ये आपके दो हॉरिजॉन्टल प्लेट। अब मेरे चार हाथ तो है नहीं, अदरवाइज मैं एक साथ दिखा देता आपको, बट मेरे ख्याल से आप इमेजिन कर लेंगे कि प्लेट्स कैसे रखे रहते हैं, ये प्लेट्स कैसे आपके पास रखे रहते हैं, ठीक है। इसका भी आपको क्लैरिटी आ गया होगा, ठीक। देखिए इनपुट सिग्नल जो है, ये इनपुट सिग्नल यहां से इधर जा रहा है, इनपुट सिग्नल यहां से कुछ इस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कुछ इस तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। ये अब देखो इस पॉइंट के पास ना सप्लाई लेने के दो ऑप्शन होते हैं, इस पॉइंट के पास सप्लाई लेने के दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन तो क्या है, पहला ऑप्शन तो भाई यही है ना, पहला ऑप्शन तो ये है कि ये यहां से कनेक्ट हो, ठीक। देखो जब ये डायरेक्टली ये इनपुट सिग्नल से कनेक्ट होता है ये वाले पॉइंट पे, ठीक है, या इसके पास एक और ऑप्शन होता है कि ये बाहर कहीं कनेक्ट हो जाए, ठीक। आपको बता दूं कि जो आपका वाईटी मोड है ना, वाईटी मोड जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वाईटी मोड के लिए इसको यहां से कनेक्ट करते हैं अपन। यहाँ पे एक और चीज रहती है, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं टाइम बेस जनरेटर, टाइम बेस जनरेटर। अभी समझ में आएगा कि इसको टाइम बेस जनरेटर हम लोग क्यों बोलते हैं, अभी समझ में आएगा आपको पूरा, इसको हम लोग टाइम बेस जनरेटर क्यों कहते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट योर टाइम बेस जनरेटर। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा टाइम बेस जनरेटर। तो आपको यहाँ पे दो पॉइंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अर्णव चक्रवर्ती, कंट्रोल सिस्टम में जो डिले टाइम होता है वो एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए डिफाइन होता है ना, तो आप समझ ध्यान दो कि वो डिले टाइम था या टाइम डिले है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, दोनों का अपने आप में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। हाँ सर, इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं मिलेगा क्या अनअकैडमी में, महेंद्र सिंह धोनी है ना। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट तो जैसा चीज नहीं है, अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है इंडिविजुअली कम टाइम के लिए, तो व्हाट यू कैन डू, आप ना ले सकते हैं कम टाइम का सब्सक्रिप्शन, जैसे आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लिए, 3 महीने में वो सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, रिवाइज कर लिए, एंड अप कर लिए, तो कोई दिक्कत की बात वहां पे नहीं होगी, ठीक है। तो उस तरीके से चलता है यहां पे सिस्टम, है ना, तो डोंट वरी फॉर ऑल दोस थिंग्स, ठीक। चलिए टाइम डिले का यूज क्या है बता रहा हूं, पूरा फिगर तो बन जान दो, पूरा फिगर बन जान दो, पूरा कंक्लूड करूंगा, ठीक है। देखिए ये टाइम बेस जनरेटर हो गया, अगर ये वाला पॉइंट आपका मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेट, ठीक है, एक इसको मैं हॉरिजॉन्टल प्लेट लिख देता हूं, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेट एंड दिस इज योर वर्टिकल प्लेट, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेट इस पॉइंट से कनेक्टेड है, देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेट इस पॉइंट से कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या, आपका वाई टी मोड ऑफ ऑपरेशन चल रहा है, क्या चल रहा है आपके पास यहाँ पे, वाई टी मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। अगर आपका हॉरिजॉन्टल प्लेट इस तरफ कनेक्टेड है तो मैं क्या बोलूंगा आपके पास, एक्स वाई मोड ऑफ ऑपरेशन, एक्स वाई मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं आपके पास, या तो आपका एक्स वाई मोड ऑफ ऑपरेशन दिख जाएगा, या तो आपके पास वाई टी मोड ऑफ ऑपरेशन देखने को मिलता है। तो दीस आर द टू थिंग्स दैट विल बी डूइंग, ठीक है, वाई टी मोड ऑफ ऑपरेशन और एक्स टी मोड ऑफ ऑपरेशन, ये सब अपने को देख, क्लियर। अच्छा दो बटन और रहते हैं, हालांकि आपने सीआरओ जब भी कभी लेबोरेटरी में देखा हो तब देखना, वहाँ बहुत सारे नॉब्स वगैरह होते हैं, तो आई विल टेल यू वो सारे नॉब्स का फंक्शन वगैरह क्या होता है, बट अभी फिलहाल आप दो चीज और देख लें जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो ऐसे यहाँ पे आपको दो नॉब देखने को मिलेंगे, ये पहला हो गया और ये आपके पास दूसरा हो गया, ठीक, ये ऐसा, ठीक, ये ऐसा दो आपको नॉब देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें से एक जो ऐसे नॉब है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपके पास फोकस कंट्रोल, है ना, इसका नाम क्या होगा आपके पास, फोकस कंट्रोल, इसका नाम होगा
इंटेंसिटी कंट्रोल, एक तो क्या हो गया आपके पास, एक हो गया आपके लिए फोकस कंट्रोल, ठीक है, और एक हो गया आपके पास इंटेंसिटी कंट्रोल, ये बता दिया मैंने आपको, है ना, एक तो फोकस कंट्रोल हो गया, एक आपके पास इंटेंसिटी कंट्रोल हो गया, तो दो टाइप की चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल गई, ठीक है। अच्छा, टाइम बेस्ड जनरेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, टाइम बेस्ड जनरेटर का काम क्या होता है, दैट आई विल टेल यू, अभी तो नाम से आपको दिख रहा है थोड़ा सा, टाइम बेस्ड जनरेटर का एक दूसरा काम होता है, ठीक है, वो दूसरा काम होता है ऐसा एक सिग्नल जनरेट करना, ठीक है। टाइम बेस्ड जनरेटर इज मेजरली यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ सॉटूथ सिग्नल, ठीक है, क्या जनरेट करने के लिए यूज होता है ये आपके पास, ये बेसिकली आपका सॉटूथ सिग्नल जनरेट करने के लिए यूज होता है, ये ऐसा, ठीक है। दिस इज यूज बेसिकली फॉर व्हाट, दिस इज यूज बेसिकली फॉर जनरेशन ऑफ सॉटूथ सिग्नल, ठीक है, दिस इज बेसिकली यूज फॉर व्हाट, दिस इज बेसिकली यूज फॉर जनरेशन ऑफ सॉटूथ सिग्नल, है ना, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं इसका हम लोग, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग आपका सॉटूथ सिग्नल के लिए, ठीक है। तो उसका मेन पर्पस होता है सॉटूथ सिग्नल जनरेट करना, किसी के माइंड में आ रहा होगा सर सॉटूथ सिग्नल को क्यों जनरेट करना चाहते हैं हम लोग, तो वो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, वो सारी चीजें बता रहा हूँ अभी, ये आपका फिगर बना है, ठीक है। अच्छा, ये भी आपके पास केबल है बेसिकली एक, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर केबल, है ना, एंड दिस इज योर प्रो, दिस इज योर, इसको हम लोग प्रोब बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग आपके पास प्रोब बोलेंगे, ठीक है। जस्ट मेरे को एक सेकंड का टाइम देंगे, मैं माइक ही फिक्स कर लेता हूँ। हाँ भाई, ठीक है, चलिए मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली अपना फिगर बन गया। तो ये ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है, कभी भी आपको एग्जाम में आता है तो आपको इस फिगर को ड्रॉ करना रहेगा अपने पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, यू विल नीड टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर फिगर, इस फिगर को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। इस फिगर को ड्रॉ करने के बाद ही आपको मतलब लगेगा कि हाँ सीआरओ पूरा बना, अभी पूरा बना नहीं है, बता रहा हूँ मैं आपको भी पूरा अच्छे से, ठीक है। तो ये पूरा फिगर बन गया, है ना। अब इस फिगर में अपने को एक एक चीज का एक आध दो एलिमेंट मैं और ऐड करूंगा वर्किंग कराते हुए, है ना, तो आपको एक दो चीजों की क्लैरिटी और आएगी बहुत ही अच्छे से, है ना, जब मैं आपको ये पूरा फिगर एक्सप्लेन करूंगा। तो ये पूरा फिगर को एट अ टाइम समझने के लिए आप रेडी हैं क्या, वाया सॉर्टूथ वगैरह सबका आंसर मिलेगा बेटा, है ना, वाया सॉर्टूथ क्यों सॉर्टूथ अपन यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब चीज का आंसर आपको यहाँ पे मिलता जाएगा। तो डोंट वरी फॉर ऑल दोस थिंग्स, है ना, सॉर्टूथ वगैरह सबका आपको आंसर मिल जाएगा, क्लियर। चलिए तो बता दे फटाफट कमेंट बॉक्स में, यस सर रेडी टू गो, है ना, अगर आप तैयार हैं तो फिर मैं इसका पूरा ओवरऑल इंडिविजुअल वर्किंग को एक्सप्लेन करना
स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इंडिविजुअल पूरा जो इसका ओवरऑल वर्किंग होने वाला है वो पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे इसका वर्किंग होगा, क्या होगा, क्या ऐसा होगा कि आपके पास एक इमेज प्लॉट हो जाएगी सीआरओ की। ठीक है, रेडी है ना। ये ओवरऑल फिगर है आपके सीआरओ का। यहाँ पे एक इनपुट सिग्नल लिया गया है। सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहले आपके पास इनपुट सिग्नल आता है। सबसे पहले क्या देखने को मिल गया आपको, इनपुट सिग्नल देखने को मिल गया। सबसे पहले मैं इनपुट सिग्नल ले लिया, इनपुट सिग्नल है, प्रेजेंट है। अगर फाइनाइट है सिग्नल, फाइनाइट है मतलब क्या, जीरो नहीं है सिग्नल आपके पास। इसका मतलब क्या, कुछ ना कुछ एनर्जी तो वो रखेगा अपने आप में, कुछ ना कुछ एनर्जी टाइप की चीजें तो वो रखेगा अपने आप में, है ना। तो उस एनर्जी में कोई लॉस ना हो, उस एनर्जी में किसी भी टाइप का कोई सा भी लॉस ना हो, इस वजह से वहां पे क्या लगाया गया है, इस वजह से वहां पे ना आपके पास प्रोब लगाया गया है। इस वजह से क्या लगाया गया है, आपके पास प्रोब लगाया गया है, है ना। क्या लगा दिया गया वहां पे, प्रोब लगा दिया गया है ना। तो इस वजह से प्रोब लगा दिया ताकि कोई भी एनर्जी का लॉस ना हो। तो एक प्रोब और केबल का अरेंजमेंट है, ठीक है, वो यहाँ पे आपके पास लगाया गया ताकि उसमें कुछ भी एनर्जी लॉस ना हो। अच्छा, इन केस हमको लगता है कि जो सिग्नल आपके पास अंदर आ रहा है वो सिग्नल का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, मतलब मान लीजिए कि वो 2000 वोल्ट का है। वो सिग्नल अपने को दिख रहा है कि भाई ये सिग्नल तो 2000 वोल्ट का है, ठीक है। तो 2000 वोल्ट होने के बावजूद, 2000 वोल्ट होने के बावजूद हम इसको सीआरओ पे एक्सपोज तो कर नहीं देंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि अपन क्या करेंगे कि सीआरओ पे एक्सपोज कर दिए, है ना। इसको अपन सीआरओ पे एक्सपोज नहीं करेंगे। जो आपको ये समझ में आए कि हम इसको यहाँ पे सीआरओ पे एक्सपोज बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा ये इंटेंशन नहीं कि इसको अपन सीआरओ पे एक्सपोज करेंगे। तो क्या करेगा, प्रोब उसको स्टेप डाउन करेगा, प्रोब उसको स्टेप डाउन करेगा। कई लोग के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर अगर स्टेप डाउन ही करना था, उससे भी है इंटरव्यू में, सर स्टेप डाउन ही करना था तो सर ट्रांसफॉर्मर क्यों नहीं लगा दिए। सर ट्रांसफॉर्मर में तो स्टेप डाउन या स्टेप अप परफॉर्म कर सकता है ना। लेकिन मैं बता दूं कि मैं प्रोब और इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, प्रोब और इसमें आपको डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, है ना। ठीक है, तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्या होने वाला है ना? हाँ, तो देखिए यहाँ पे सबसे प्रीमियर इशू यहाँ पे क्या होने वाला है, प्रीमियर इशू यहाँ पे आपको टाइम बेस जनरेटर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पे टाइम बेस जनरेटर समान कोई चीजें देख पा रहे हैं, ठीक। तो ये सिग्नल को मैं केबल से डाला, कहाँ ले गया, वर्टिकल एम्पलीफायर पे ले गया। वर्टिकल एम्पलीफायर क्या करेगा, वर्टिकल एम्पलीफायर प्राइमरली इसको एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। तो अब मुझको देखना है कि मेरा सिग्नल का मैग्नीट्यूड कैसा है, क्या मेरे सिग्नल का मैग्नीट्यूड, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, फाइनली क्या मेरे सिग्नल का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि वो सीआरओ को डैमेज कर सकता है, है ना। तो प्रोब उसको स्टेप डाउन कर, ठीक है, हम चाहेंगे तो प्रोब को 10 times, 100 times, 1000 times ऐसा प्रोब से एट्यूनेट करा सकते हैं। ट्रांसफार्मर यूज करते तो क्या होता, पावर लेवल चेंज नहीं होता, वोल्टेज लेवल तो घट जाता मगर करंट लेवल तो बढ़ जाता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, करेक्ट है ना। यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि प्रोब आपके लिए 10 times स्टेप डाउन कर देगा, मुझसे 100 times बड़ा करना है तो मैं वर्टिकल एम्पलीफायर से कर लूंगा। कहने का मतलब क्या, मेरे सीआरओ के अंदर ये जो आपका ऑसिलोस्कोप है, ठीक है, इसके अंदर ऐसा नंबर एंट्री मारे, इसके अंदर ऐसा नंबर एक एंट्री मारे जो नंबर किसी भी सिचुएशन में सीआरओ को डैमेज ना करे। तो केबल, प्रोब और वर्टिकल एम्पलीफायर, इन सब का पर्पस क्या होता है,
इन सब का पर्पस होता है कि सीआरओ किसी भी केस में डैमेज ना हो और प्रॉपरली वर्क करे, और क्या, और आपके पास प्रॉपरली वो क्या करे, और आपके पास प्रॉपरली वर्क करे, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है कि प्रॉपरली क्या करे, प्रॉपरली आपके लिए वर्क करे, है ना। सर एम्पलीफायर क्यों लगाए, अगर कम ही करना था तो केवल प्रोब लगा के छोड़ दे, सर एम्पलीफायर क्यों लगाए। देखिए कई बार क्या होगा, मिली वोल्ट का सिग्नल आ गया, क्या आ गया आपके पास, मिली वोल्ट का सिग्नल आ गया। अब देखो अगर आपके पास ना मिली वोल्ट का सिग्नल आया है तो मिली वोल्ट का सिग्नल खुद में इतना सफिशिएंट तो है नहीं कि सीआरओ के आगे के पूरे यूनिट्स को ड्राइव कर जाए। सोचिए ना आप, इतना छोटा सिग्नल तो छोटा सा पावर भी रखा होगा तो वो इतनी सारी चीजों को ड्राइव कैसे करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये ना कि वो इतनी सारी चीजों को ड्राइव कैसे करेगा, है ना। तो उस ड्राइव करने वाले फंडामेंटल को रोकने के लिए हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं वर्टिकल एम्पलीफायर, हम क्या चाहते हैं वहां पे वर्टिकल एम्पलीफायर। तो अगर हमको लगता है कहीं पे कि बहुत बहुत ही कम सिग्नल रखा हुआ है आपके पास, ठीक है, बहुत ही कम सिग्नल रखा हुआ है आपके पास, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि भाई वो सप्रेस भी तो करें, वो क्या करें आपके पास, वो सप्रेस भी तो करें, है ना। तो सप्रेस करना इंपॉर्टेंट है और इंक्रीज करना भी इंपॉर्टेंट है। तो वर्टिकल एम्पलीफायर और प्रोब के कॉम्बिनेशन को मिला के हम क्या करेंगे, अगर हमको लगता है कि सिग्नल का लेवल बढ़ाना है वो भी पॉसिबल है, सिग्नल का लेवल घटाना है तो भी पॉसिबल है, दोनों चीजें पॉसिबल है आपके पास यहाँ पर, है ना। अब मैं आपको यहां पर, है ना, अब मैं आपको यहां पर वर्टिकल एम्पलीफायर तक बता दिया, ठीक है, उसके आगे का क्या होगा वो बता रहा हूं। उससे पहले आप नीचे आइए यहां पे, उससे पहले आप कहां आएंगे, उससे पहले आप यहां पे नीचे आएंगे, ठीक है। नीचे का क्या दिक्कत है आपके पास, है ना, है ना। नीचे अगर आप देखें तो नीचे आपको दिख रहा है टाइम बेस्ड जनरेटर, नीचे क्या देखने को मिल रहा है आपको, नीचे यू विल बी एबल टू फाइंड व्हाट, नीचे यू विल बी एबल टू फाइंड अ टाइम बेस्ड जनरेटर, ठीक है। तो टाइम बेस्ड जनरेटर पे क्या होने वाला है, टाइम बेस्ड जनरेटर की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली क्या होगा टाइम बेस्ड जनरेटर में, टाइम बेस्ड जनरेटर में देयर विल बी अ लिमिटेशन, टाइम बेस्ड जनरेटर में व्हाट विल बी हैपनिंग, टाइम बेस्ड जनरेटर में देयर विल बी अ लिमिटेशन। क्या टाइम बेस्ड जनरेटर का एकमात्र पर्पस है शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म प्रोड्यूस करना। शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म क्यों प्रोड्यूस करना है वो आपको ही पता चलेगा जब मैं आपको वेव का प्लॉटिंग करके दिखाऊंगा, अभी मैं आपको वेव का प्लॉटिंग करके भी दिखाऊंगा, है ना। तो शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म क्यों रखना है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस। शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म अपने को क्यों रखना है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस, ठीक। हाँ, अगर मैं बात करता हूं शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म की, है ना, तो टाइम बेस्ड जनरेटर को यही सेम सिग्नल मिल जाएगा इनपुट में, है ना। अच्छा, कितने लोगों ने स्मिथ ट्रिगर का नाम सुना है बताएं मुझको, कितने लोगों ने स्मिथ ट्रिगर का नाम सुना हुआ है, ठीक है, कितने लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताया मुझको कि यस सर हम लोगों ने स्मिथ ट्रिगर का नाम सुना है, है ना। हाँ, पूरा मेजरमेंट पढ़ के जाना होगा या सम स्पेसिफिक चैप्टर से, एज अ टीचर तो मैं ये नहीं बोल सकता आपको कि आप कुछ टॉपिक छोड़ के जाएं, मैं तो यही चाहूंगा कि सब लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रिपेयर करके जाएं, ठीक है। अर्णब चक्रवर्ती ने नाम सुना है आपका टाइस का, क्या बोलते हैं, आई विल से कि आपका जो ये दिख रहा है ना, इसका आप सभी ने नाम सुना होगा, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होने वाला है आपके पास, स्मिथ ट्रिगर, स्मिथ ट्रिगर का इनपुट कुछ भी हो, स्मिथ ट्रिगर का आउटपुट हमेशा स्क्वायर वेव फॉर्म होता है, ठीक है। स्मिथ ट्रिगर का इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट क्या होगा, आउटपुट आपके पास स्क्वायर वेव फॉर्म होगा। आउटपुट क्या देखने को मिलेगा आपको, आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा स्क्वायर वेव फॉर्म, ठीक है। आउटपुट इज वॉट, आउटपुट इज नथिंग बट यर स्क्वायर वेव फॉर्म, आउटपुट इज नथिंग बट वॉट, आउटपुट इज नथिंग बट यर स्क्वायर वेव फॉर्म। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आगे अपने को क्या देखने को मिलेगा, आगे अपने को स्क्वायर वेव फॉर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे व्हाट वी विल फाइंड, आगे वी विल फाइंड अ स्क्वायर वेव फॉर्म, है ना। तो स्क्वायर वेव फॉर्म का प्रेजेंस वहां पे रहेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, स्क्वायर वेव फॉर्म रहेगा, ठीक है। स्क्वायर वेव फॉर्म को आप एक इंटीग्रेटर से पास कर दो, वो आपके पास सॉटूथ सिग्नल बन जाएगा, ठीक है। तो किसी क्वेश्चन होता है सर ये सिग्नल तो डिफरेंट हो सकता है, ये सिग्नल जो यहाँ पे है सर ये सिग्नल तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी साइनसोइडल रहेगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि केवल साइनसोइडल रहेगा। अगर आपको किसी भी सिग्नल से रैंप सिग्नल जनरेट करना है, आप एक स्मिथ ट्रिगर यूज कीजिए, अगला इंटीग्रेटर यूज कीजिए, आपका काम हो जाए। स्मिथ ट्रिगर यूज कीजिए और क्या यूज कीजिए, आप अपना इंटीग्रेटर यूज कीजिए, आपका काम यहाँ पर से आसानी के साथ, आपका काम यहाँ पर आसानी के साथ हो जाएगा। आपका काम कैसा हो जाएगा, आपका काम यहाँ पर बड़े आसानी के साथ हो जाएगा, ठीक है। ये आपको देखने को मिल गया, क्लियर। समझ गए सभी लोग, सभी को क्लियर हो रहा है क्या,
सभी को क्लियर हो रहा है ना, तो ये आपको एक इनपुट सिग्नल वगैरह देखने को मिल गया, ठीक है। तो यहां जनरेट हो रहा है, ये अपने को पता रहे, है ना, ये अपने को पता रहे, ठीक है। हाँ देखिए, अब समझना आपको ये है, क्या समझना है आपको कि भाई यहां से टाइम बेस्ड जनरेटर जनरेट हो गया। आप मेरे को बताओ कि इसको मैंने इनपुट दिया, यहां पे मैंने इनपुट दे दिया, है ना, ये यहां पे मैंने इनपुट दे दिया, तो यहां पे आउटपुट आएगा। टाइम बेस्ड जनरेटर में मैंने एक इनपुट दिया है, तो यहां से सर्टन मेरा एक आउटपुट आएगा, ठीक है। अब इस इनपुट से इस आउटपुट में जाना है, अगर अपने को क्या करना है, अपने को इस इनपुट से इस आउटपुट में जाना है, है ना, क्या करना है मुझको, इस इनपुट से इस आउटपुट में जाना है, ये इंपॉर्टेंट चीज अपने लिए, है ना, कि हम क्या करें, हम इस इनपुट से क्या करें, हम इस इनपुट से इस आउटपुट में चल दें, है ना। तो क्या किसी भी वेवफॉर्म से एक सॉटूथ वेव जनरेट करने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि तुरंत हो जाएगा। हाँ, अब कुछ टाइम का ये मतलब नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 15 मिनट लगेगा, कुछ टाइम का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ, मतलब ठीक है, एक सर्टन आपके पास टाइम लगेगा, एक सर्टन आपके पास टाइम लगेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे टाइम बेस्ड जनरेटर देखने को मिल गया, एक इनपुट हो गया, एक आपके पास क्या हो गया, एक आपके पास आउटपुट हो गया, ठीक है। तो कुछ डिले हुआ, समझ में आया आपको कि टाइम बेस्ड जनरेटर्स अपने ऊपर मतलब कुछ ना कुछ एक सर्टन डिले तो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, है ना। मेजरमेंट के इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन, अगर आपके पास टाइम कम है, आपको कम चैप्टर्स पढ़ने हैं, आप ब्रिज पढ़िए, एसी ब्रिज और डीसी ब्रिज दोनों पढ़िए, है ना। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा आप क्या करेंगे, उसके अलावा आप ये करें कि आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं बेसिक इंस्ट्रूमेंट, मैंडेटरी है बेसिक इंस्ट्रूमेंट पढ़ना, आप मेजरमेंट ऑफ पावर पढ़ें, आप सीआरओ पढ़ें, है ना, ये चार जरूरी है। पांचवा एज अ इंस्ट्रूमेंटेशन, क्योंकि ट्रांसड्यूसर भी पढ़ना होगा आपको बाद में, तो आप डीवीएम भी पढ़ें, आप क्या करें, आप डीवीएम भी पढ़ लें, ठीक है। तो हाँ, ये टाइम बेस जनरेटर पे आ गया हमें, ठीक। अब देखिए, यहां से यहां पे कुछ एक टाइम डिले आएगा, ठीक है, यहां से यहां पे एक टाइम डिले आएगा, और उसके बाद फिर ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेट में जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं कि आपका हॉरिजॉन्टल प्लेट और आपका वर्टिकल प्लेट दोनों साथ में मैग्नेटाइज, दोनों क्या हो, दोनों आपके पास साथ में मैग्नेटाइज हो, ठीक है। तो मेरा इंटेंशन ही ये है कि दोनों के दोनों चीजों को ना साथ में मैग्नेटाइज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर दोनों के दोनों चीजों को साथ में मैग्नेटाइज होना चाहिए, तो फिर उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर दोनों के दोनों चीजों को आप साथ में मैग्नेटाइज करना चाहते हैं, तो भाई यहां तो सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम लगना ही लगना है। टाइम बेस्ड जनरेटर से आपका हॉरिजॉन्टल प्लेट में जो जा रही है, इनपुट से आउटपुट जो आपका हो रहा है, एक किसी भी रैंडम वेवफॉर्म से, किसी भी रैंडम वेवफॉर्म से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, किसी भी रैंडम वेवफॉर्म से आपको सॉटूथ वेवफॉर्म देखने को मिल रहा है, उसकी अगर मैं बात कर रहा हूं आपके पास, ठीक है, तो फिर वहां पे तो स्टोरी है भाई, वहां पे तो स्टोरी है, वहां पे आपको टाइम बेस्ड जनरेटर तो डिले ले रहा है, तो ये डिले ले रहा है, तो ये तुरंत मैग्नेटाइज होगा नहीं, तो इस कारण यहां पे टाइम डिले लगा के रखा है ताकि सिंक्रोनाइजेशन हो। इट्स टाइम टू एक्सपीरियंस समथिंग ग्लोरियस, अन एकेडमी कॉम्बैट, कंपीट, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you. An Academy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.